सुप्रभातम। कहते हैं रिश्तों में बनी रहे गुड़ सी मिठास, हर नया दिन कराए नई खुशियों का एहसास, जीवन में बरकरार रहे सुख और शांति, सभी के लिए शुभकामनाएं लेकर आए मकर संक्रांति। आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और स्वागत है आपका मकर संक्रांति के इस विशेष अंक में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हिंदू धर्म में वर्ष को दो आयनों में बांटा गया है। वर्ष में दो आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, जिनसे मिलकर वर्ष पूर्ण होता है। सूर्य जो है वो पूरे वर्ष में सभी राशियों में विचरण करता है। मकर संक्रांति का दिन बेहद विशेष है क्योंकि इस दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, सूर्य का उत्तरायण होता है, यानी सूर्य का जो रुख है वो उत्तर दिशा की ओर हो जाता है। इस दिन को विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है धार्मिक दृष्टि से। इस दिन स्नान, जप, तप, ध्यान और दान करने का विशेष महत्व है। आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, हेमंत ऋतु, पौष मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, सोमवार और शतभिषा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। सूर्य जीवन में सकारात्मकता का प्रतीक है। हर सूर्य उदय से जगे सकारात्मक विचार, यानी जैसे ही सूर्य का उदय होता है ये कहा जाता है कि जीवन में सकारात्मकता आती है, नई ऊर्जा का संचार होता है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों से भी एक नई ऊर्जा आती है। देखिए आज का सुविचार सुभाषित। लोक रंजन में वाता, राज्ञां धर्म सनातन, सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहार। प्रजा को प्रसन्न रखना, सत्य की रक्षा करना और व्यवहार में सरलता रखना राजाओं का सनातन धर्म है। Keeping the people happy, protecting the truth and keeping simplicity in behavior is the eternal religion of the kings. बहुत आवश्यक है कि जीवन में सकारात्मकता बनी रहे और यही उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं सूर्यदेव। सूर्य की आराधना आज के दिन की जाती है। ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति से ऋतु बदलती है, यानी सर्दी का मौसम जो है वो बदलने लगता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है पूजा के लिए, ध्यान के लिए। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन धूप में अधिक से अधिक समय बिताया जाए तो वो भी स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। और क्या विशेषताएं हैं मकर संक्रांति की, इस पर भी करेंगे बात, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। NPS में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज मकर संक्रांति का दिन है, सूर्य का दिन है, सूर्य देव की आराधना का दिन है। सूर्य को जीवन में नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। और ये कहा जाता है कि जो सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर बनता है। अगर सूर्य की रोशनी में यानी धूप में समय बिताया जाए तो इससे स्वास्थ्य के लिए वृद्धि होती है, क्योंकि शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। लेकिन आजकल उत्तर भारत में काफ़ी सर्दी चल रही है, इसलिए बहुत से लोग धूप से वंचित हैं और ऐसे में कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। सर्दी का मौसम त्वचा के लिए भी कुछ समस्याएं लेकर आता है, ऐसे में त्वचा पर क्या प्रभाव होता है और किन स्वास्थ्य समस्याओं से हमें बचाव करना है, क्योंकि हवा शुष्क होती है और साथ ही तापमान भी कम होने लगता है। सर्दियों के मौसम में कैसे करें अपनी त्वचा की देखभाल और कैसे बना रहे आपकी त्वचा का निखार, आइए देख लेते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। हमारी त्वचा शरीर का बाहरी आवरण है। त्वचा बाहरी तत्वों के संपर्क में अधिक रहती है, इसलिए त्वचा पर अधिक प्रभाव होता है। अधिक ठंड, प्रदूषण, धूल, मिट्टी के कण और तापमान, ये सभी कारक त्वचा को प्रभावित कर सकते हैं और समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। विंटर्स में ह्यूमिडिटी नहीं रहती है, एटमॉस्फेयर में जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है और हम गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हीटर्स के सामने बैठ रहे हैं, आर्टिफिशियल हीटिंग रूम्स में लगाते हैं, तो ये सब जो वजह बन जाती है जिससे कि त्वचा की नमी सूखने लगती है और त्वचा खुश्क पड़ने लगती है। जैसे जैसे तापमान घटता है और सर्दी बढ़ती है, वैसे ही त्वचा की समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। सर्दियों के मौसम में कम तापमान और शुष्क हवा त्वचा को प्रभावित कर सकती है। सर्द मौसम और शुष्क हवा त्वचा की नमी चुरा कर उसे रूखा और बेजान बना देती है और त्वचा की कई समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। सर्दी जैसे आती है तो त्वचा सबसे पहले तो खुश्क होनी शुरू होती है। अगर हम अपना उसके ऊपर हाथ अगर हम फैलाएं, त्वचा को टच करें, तो उस पर हमें खुश्की और रूखापन महसूस होगा, जिसे हम ड्राई स्किन बोलते हैं। और उसमें कुछ कुछ चेंजेस भी आते हैं जो कि हम देख सकते हैं, और वो चेंजेस होते हैं कि त्वचा की जो एक नॉर्मल एक कलर है उससे वो थोड़ी सी पीली या सफ़ेद सी नज़र आती है, उसमें थोड़ी लाइनें ज़्यादा नज़र आती हैं, स्किन मार्किंग्स बढ़ जाती हैं, सफ़ेद छिलका आ सकता है, और जब सफ़ेद छिलका दिखता है तो दैट मीन्स कि त्वचा बहुत ही खुश्क हो गई है। खुश्क त्वचा में खुजली शुरू होगी और खुजाने से त्वचा के ऊपर एक्जिमा बन सकता है, जो कि सिर्फ खुजाने की वजह से बन जाता है। उसमें लाली आ सकती है, उसमें डिस्चार्ज हो सकता है, दाने पड़ जाते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ सकता है। एक तो ये हुआ एक्जिमा, दूसरा है कि अगर कट्स पड़ गए हैं रूखी त्वचा में, जो कि ज़्यादातर हाथों और पैरों में देखने में आता है हाउसवाइफ्स में, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि वो गर्म पानी, साबुन, डिटर्जेंट्स में हाथ डालती हैं, तो उससे जो त्वचा है कट फट जाती है, उसमें फिशर्स पड़ जाते हैं और इन फिशर्स में बहुत दर्द होता है और साथ ही साथ कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया भी इसमें चला जाता है और उसमें पस भी पड़ जाती है, तो ये बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। ऐसे ही एक्जिमा भी, उसमें इन्फेक्शन हो सकती है। सर्दियों के मौसम में त्वचा का रूखापन, होठ और त्वचा का फटना, त्वचा पर चकत्ते, बालों में रूसी, एड़ियों की त्वचा का फटना, हाथों व पैरों की उंगलियों में सूजन और लालपन, ये समस्याएं हो सकती हैं। वहीं जिनकी त्वचा अधिक संवेदनशील है उनमें इस मौसम में त्वचा की समस्याएं बढ़ सकती हैं। सर्दियों में खुजली, सोरासिस और एक्टोपिक डर्मेटाइटिस जैसी समस्याओं की संभावना भी होती है। सर्दियों में त्वचा की समस्याओं से बचाव कैसे किया जा सकता है और क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये समझना महत्वपूर्ण है। पहले अपनी स्किन पर नहाने के बाद ज़रूर कोई मॉइस्चराइज़र, नारियल का तेल आप बाथरूम में ही रखें, या कोई भी पैराफिन, ये जो वाइट सॉफ्ट पैराफिन वैसलीन है, इसे लगाएं नहाने के इमीडिएटली बाद, ताकि जो मॉइस्चर है, पानी है, वो नमी हमारी त्वचा में सील हो जाए, बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्टेप है कि आप वूलन अपने स्किन के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना पहने, पहले आप कॉटन की
एक लेयर पहने, उसके ऊपर आप कोई भी वूलन कपड़ा इस्तेमाल करें। पानी खूब पिएं, क्योंकि हाइड्रेशन से क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं, और जिन लोगों को सन एलर्जी की समस्या है तो उनको सनस्क्रीन भी अपने चेहरे पर, खुले हिस्से पर पहनना बहुत ज़रूरी है। खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपना नट्स खाएं, आप वार्म लिक्विड्स लें, एक्सरसाइज करें, हाथ पैर आप चलाएं, आप सिंपल वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। जो शरीर के खुले हिस्से हैं, हाथ पैर हैं, उसको आप वार्म रखने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल करें, आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और उसके बाद अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करें। आप विटामिन्स भी ले सकते हैं, आप फ्रूट्स जो हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, उसका इस्तेमाल करें, नट्स खाएं। तो एक बेसिक न्यूट्रिशियस डाइट के साथ और स्किन केयर के साथ आपकी जो त्वचा है लंबे समय तक हेल्दी बनी रह सकती है। यदि आप त्वचा की समस्याओं से बचाव करना चाहते हैं तो त्वचा की देखभाल करें, जिससे सर्दियों के मौसम में आपकी त्वचा का निखार कायम रहे। सर्दियों के मौसम में अपने त्वचा की देखभाल करना आवश्यक है। ऐसा करने से न सिर्फ आप त्वचा की समस्याओं से बच सकते हैं, बल्कि सर्दियों के मौसम में भी बेदाग और निखरी त्वचा पा सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अगर आप भी अपनी त्वचा का निखार बरकरार रखना चाहते हैं कि आपकी त्वचा स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ त्वचा आपके बेहतर स्वास्थ्य का आईना होती है, उसको बेहतर करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे। कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले उठा जाए, और ये भी कि अपने व्यायाम के साथ साथ आहार का भी विशेष ध्यान रखा जाए, और हाइड्रेशन यानी पर्याप्त पानी पीना भी अच्छी त्वचा के लिए बेहद आवश्यक है। तो हर रोज उगते सूरज से आंखें मिलाइए, प्रकृति के साथ कुछ वक्त बिताइए, और बीमारियों व रोगों को दूर भगाइए। रोगों को दूर भगाने के लिए बहुत उपयोगी है योग, और कहा जाता है कि जो लोग सूर्य उदय के समय यानी सुबह सुबह प्रातःकाल उठकर योग करते हैं, उनका स्वास्थ्य बेहतर बनता है। हालांकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली सेडेंटरी हो गई है, व्यायाम नहीं करते लोग घंटों तक लगातार बैठे रहते हैं, खान पान में भी गड़बड़ी है, और शायद यही कारण है कि जो चर्बी है या वसा है वो शरीर पर एकत्रित होने लगी है, मोटापा बढ़ रहा है। किस तरह से योग के माध्यम से आप अपना स्वास्थ्य बेहतर बना सकते हैं, आइए समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सारिका शाह है। तो आइए आज हम जानेंगे कुछ आसनास जो हमारे बाजुओं की चर्बी को कम करने के लिए फायदेमंद रहेंगे। चलिए, मैट के ऊपर हम कैट एंड काउ पोज में आएंगे, इस तरह से नीज को ऊपर उठाएंगे और प्लैंक पोज में आएंगे, इस तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस पोस्चर को होल्ड करेंगे हम लोग 3-4 काउंट्स तक। उसके बाद धीरे से रिलीज करेंगे। दूसरा आसन हम देखेंगे भुजंगासन का वेरिएशन, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड फेसिंग डॉग। किस तरह से करना है, पेट के बल लेट जाएंगे, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, हाथों को थोड़ा सा आगे चेस्ट से, और इनहेल करते वक्त ऊपर उठेंगे, एल्बोज स्ट्रेट रखेंगे और ऊपर देखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस पोस्चर को भी हम लोग होल्ड करेंगे 3-4 काउंट्स तक। उसके बाद एक्सहेल करते वक्त आसन से बाहर आएंगे। ये दोनों आसन की प्रैक्टिस आप 3-4 टाइम्स कर सकते हो। तो आइए अभी हम जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे हाथों की चर्बी को कम करने के लिए पूरे शरीर की चर्बी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला तो देखिए कि फाइबर युक्त खाना ज्यादा खाएं, जैसे फल है, सब्जियां, जिसमें फाइबर ज्यादा हो तो चर्बी कम हो जाती है। दूसरा ध्यान दें कि शरीर में सोडियम कम होना चाहिए, क्योंकि सोडियम पानी को जमा कर देता है और थुलथुलापन लाता है, सूजन लाता है। और इसलिए सोडियम किस में हम लेते हैं, ये रेडीमेड प्रोडक्ट्स, ये सारे पैकेट खोला और खाया, बॉटल खोली पिया, इनमें सोडियम ज़्यादा होता है, तो ये खाना ना खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, सिनेमन जिसको कहते हैं दालचीनी,
उसका पानी फैट को कम करने में बहुत फ़ायदा करता है। दिन भर दालचीनी का पानी पीते रहने से बहुत फ़ायदा होगा। और चौथा, जितना हो सके अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, अच्छी नींद से सब बराबर होता है। नमस्कार। भारत की भूमि सांस्कृतिक विरासत की भूमि है। हमें हमारे जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उन्होंने आदर्श जीवन जीना सिखाया है, और इसी का एक उदाहरण है रामायण, जिसके अंदर जीवन के जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनको किस तरह से अपने जीवन में उतारा जा सकता है, इसके उदाहरण साफ रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सभी के लिए ये एक आदर्श और उदाहरण है कि इन मूल्यों को हम अपने जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। इतिहास का कोई पृष्ठ नहीं जहां श्रीराम का प्रभाव न हो, समाज का कोई वर्ग नहीं जो राम भक्ति से अछूता हो। ये कहना तो कदापि अतिशयोक्ति नहीं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम भारतीय जनमानस में बसते हैं। भगवान श्री राम के कथा प्रसंग का श्रवण कर आज तक लोग अपने चरित्र का सुधार करते हैं। जो कण कण में बसे वही राम है, और आज हम बात कर रहे हैं उस ग्रंथ की जिसमें भगवान श्री राम का सबसे पहले वर्णन किया गया, जिसमें बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान श्री राम की कथा को प्रस्तुत किया गया। भारतीय जनमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा का सर्वप्रथम विवरण रामायण में मिलता है। इस काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि भी कहा गया है। तो आइए आज आपका परिचय कराते हैं भारतीय संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ रामायण से। सात कांडों में विभक्त रामायण को रामचरित का वर्णन होने से धर्मग्रंथ और आचरण का मार्गदर्शक ग्रंथ माना गया है, और इस काव्य की स्थिरता का संकेत स्वयं इस ग्रंथ में किया गया है। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत और नदियां हैं, तब तक लोक में, समाज में रामायण कथा कहीं सुनाई जाएगी। यही नहीं, भारतवर्ष की साहित्यिक परंपरा में महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य कहा गया है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती ही समाः यत् क्रौञ्च मिथुनादेकमवधि काममोहितम्। ये वही शब्द है जो शोक से प्रेरित होकर वाल्मीकि ऋषि के मुख से संस्कृत की प्रथम कविता के रूप में निर्गत हुए। वाल्मीकि चाहते थे कि वे ऐसी काव्य रचना करें जो अमर हो, जन जीवन से संबद्ध हो, चतुर्वर्ग की प्राप्ति में सहायक हो, भाव भाषा छंद शैली अलंकार की दृष्टि से नवीन हो, और ऐसा नायक हो जो गुण बल चरित्र धर्मज्ञता कृतज्ञता सत्यवाणी व्रतपालन सर्वभूतहित ज्ञान सामर्थ्य आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ हो। और नायक के रूप में श्री राम का चयन होते ही महर्षि वाल्मीकि की काव्यधारा बह चली, और उनकी कविता एक एक वर्ण पर एक एक हजार श्लोकों को समर्पित होती हुई चतुर्विंशति साहस्री संहिता अर्थात 24,000 श्लोक वाली संहिता बन गई। रामायण के पात्रों तथा मनोरम शिक्षा प्रद कथाओं से प्रत्येक भारतीय का परिचय है। रामायण में सरल और साधारण संवाद के माध्यम से इसके पात्रों का
दृष्टांत दिया गया है, जैसे राम का आदर्श भूत मानव रूप, लक्ष्मण तथा भरत की भ्रातृभक्ति, सीता का पातिव्रत्य, विभीषण की न्यायप्रियता, रावण की हठधर्मिता इत्यादि। अन्याय पर न्याय की विजय का निरूपण करने वाला यह महान ग्रंथ रामायण अनंत काल तक मानव मात्र को सदाचार, सद्विवेक व सद्भाव रखने की प्रेरणा देता रहेगा। नीतीश भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिंदू धर्म में सूर्य का विशेष ध्यान बहुत विशेष स्थान माना गया है। सूर्य की आराधना करना, सूर्य अर्घ देना, सुबह सुबह प्रातःकाल उठकर सूर्य नमस्कार करना, इसका विशेष महत्व है जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए और अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए भी उपयोगी माना गया है। संस्कृत पाठशाला में हम आदित्य हृदय स्तोत्र का अभ्यास और ज्ञान ले रहे हैं, तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृत पाठशाला में हम वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित आदित्य हृदय स्तोत्रम को सीख रहे हैं। स्तोत्र सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सीखते हैं आज के श्लोकों को। आतपी मंडली मृत्युः, आतपी मंडली मृत्युः, पिंगलः सर्वतापनः, पिंगलः सर्वतापनः, कविर्विश्वो महातेजः, कविर्विश्वो महातेजः, रक्तः सर्वभवोद्भवः, रक्तः सर्वभवोद्भवः। आतपी मंडली मृत्युः, पिंगलः सर्वतापनः, कविर्विश्वो महातेजः, रक्तः सर्वभवोद्भवः। नक्षत्रग्रहताराणां, नक्षत्रग्रहताराणां, अधिपो विश्वभावनः, अधिपो विश्वभावनः, तेजसामपि तेजस्वी, तेजसामपि तेजस्वी, द्वादशात्मन्नमोस्तुते, द्वादशात्मन्नमोस्तुते। नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः, तेजसामपि तेजस्वी, द्वादशात्मन्नमोस्तुते। नमः पूर्वाय गिरये, नमः पूर्वाय गिरये, पश्चिमायाद्रये नमः, पश्चिमायाद्रये नमः, ज्योतिर्गणानां पतये, ज्योतिर्गणानां पतये, दिनाधिपतये नमः, दिनाधिपतये नमः। नमः पूर्वाय गिरये, पश्चिमायाद्रये नमः, ज्योतिर्गणानां पतये, दिनाधिपतये नमः। मित्रों, आज के अंक में इतना ही। आशा है आप हमारे साथ अच्छे से स्तोत्र सीख रहे हैं। यदि आपको इसमें कोई अतिरिक्त सहायता चाहिए तो आप हमें एक्सपर्ट टैग करते हुए लिख सकते हैं, हम आपकी सहायता करने का हर प्रयास करेंगे। तब तक आप करते रहिए आदित्य हृदय स्तोत्र का अभ्यास। पुनः मेलिष्यामः,
नमो नमः। उगता है प्रतिदिन सूर्य हम सभी को ऊर्जा देने के लिए और साथ ही ये प्रेरणा देने के लिए कि बांटने से उजाले कम नहीं होते। अपने जीवन में ज्ञान का संचार करना, ऊर्जा का संचार करना और सभी को खुशियां बांटना एक बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्य है। कार्य ही नहीं, ये सेवा, ये सभी का धर्म है। तो आप भी अपने जीवन में एक अच्छा कार्य कीजिए जो किसी के जीवन के लिए खुशी का सबब बन जाए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपको एक बार फिर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।